सड़क हादसे में बाल बाल बचे। डिप्टी सीएम के बेटे योगेश, ट्रैक्टर और फॉर्च्यूनर में हुआ था एक्सीडेंट। जालौन के झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 स्थित कालपी में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पुत्र योगेश बाल बाल बच गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब डिप्टी सीएम के पुत्र मध्य प्रदेश के दतिया स्थित पीताम्बरा माई के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने डिप्टी सीएम के पुत्र को गाड़ी से निकालकर तत्काल दूसरी गाड़ी की मदद से उरई मुख्यालय सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। हादसा कालपी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आलमपुर बाईपास के पास हुआ है। बताया गया है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पुत्र योगेश मौर्य लखनऊ से फॉर्च्यूनर गाड़ी A426BB7044 से मध्य प्रदेश के दतिया पीताम्बरा माई के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, जब उनकी गाड़ी कालपी के आलमपुर बाईपास के पास पहुंची, उसी दौरान एक मोड़ से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने उनकी गाड़ी में पीछे टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी, ट्रैक्टर भी दो टुकड़े में बट गया। हादसा देख वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं जब पुलिस को इस हादसे की जानकारी दी गई कि हादसा डिप्टी सीएम के पुत्र योगेश का हुआ है, तत्काल कालपी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक क्षेत्राधिकारी कालपी राम सिंह के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने तत्काल डिप्टी सीएम के पुत्र को बाहर निकालते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गनीमत यह रही कि इस भीषण हादसे में डिप्टी सीएम के पुत्र योगेश को किसी तरीके की चोट नहीं आई है, जिसके बाद डिप्टी सीएम के पुत्र और उनके साथ मौजूद तीन साथियों को पुलिस अपने साथ उड़ई के सर्किट हाउस ले आई, जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में उनकी देखरेख की जा रही है। वहीं मौके पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य के पुत्र योगेश का हालचाल लेने पहुंचे जालौन के पुलिस अधीक्षक रविवार कुमार ने बताया कि कालपी में ये हादसा हुआ है, लेकिन किसी प्रकार की कोई चोट डिप्टी सीएम के पुत्र को नहीं है। उनके साथ मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं, उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा जा रहा है। खबर जगत के लिए एलेन सिंह की रिपोर्ट। सड़क हादसा हुआ है, क्या मामला है, कौन लोग घायल हुए हैं और क्या पूरा मामला है? देखिए, ये कालपी के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि और आपने देखा भी है, कोई मेजर इंजरी नहीं है, कोई ये बात नहीं, गाड़ी हल्की पीछे से डैमेज हो गई है, बाकी स्वास्थ्य अच्छा है, कोई भी इंजरी नहीं है, और सेफली वो यहाँ पे सर्किट हाउस में रेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद गाड़ी में कौन लोग सवार? आपने देखा ही है, यहाँ पे सभी लोग जो उपस्थित हैं वो हैं, और बाकी इनके साथ इन परिवार वाले जो लोग भी। कहाँ जा रहे थे सर, कहाँ से? देखिए, ये चूँकि प्राइवेट डिटेल्स होती हैं, ये ज़्यादा शेयर करने की चुकी नहीं, तो इतने भी आपको नहीं बता सकते हैं, बट इतना कहना है कि सभी लोग सेफ हैं, कोई इंजरी नहीं है, गाड़ी हल्की सी डैमेज है, गाड़ी को भी साइड करा दिया गया है, और आगे सर सूचना आ रही गाड़ी में डिप्टी सीएम के लड़के भी मौजूद थे, ये कन्फर्म है? देखिए, आपने सब लोगों ने देखा ही, यहाँ पे आए हैं सब कुछ, तो सूचना ये है, सही है, और कोई इंजरी नहीं है जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस।